और काल उसका क्या बिगाड़े बिगाड़े जो भगत हो मेरा भक्त हो माता मेरा भक्त हो माता ये रोज़
2020 16 मार्च को ये भजन YouTube पर आया, लेकिन उससे पहले की कहानी कुछ और थी। ये भजन बनाने के लिए ये समझो मैंने कम से कम 4 से 5 लोगों से पैसे उधार लेकर के ये भजन बनाया, क्योंकि उस वक्त में कहीं जॉब करता था। जब मैं 10 वर्ष का था, 10 से 12 वर्ष का था, उस उम्र में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद से ही मेरी नानी जी है, जो जिनके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं चाहूँगा मेरी नानी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने सभी लोगों के। तो नानी ने सभी रिश्तेदारों से मदद मांग मांग कर मुझे सबसे पहले पढ़ाया। 10वीं तक मैं पढ़ा भी, 12वीं तक भी पढ़ा, लेकिन 12वीं फेल हो गया। इधर भजन चल रहा था, इधर 12वीं की पढ़ाई चल रही थी, तो 12वीं दे गई। मैंने ये पैसे उधार लेकर के भजन बनाया। ये भजन मैंने सुनने के लिए कुछ दोस्तों को भेजा कि भाई सुनकर बताओ कैसा लग रहा है। तो भजन रिलीज भी नहीं हुआ, यूट्यूब पर भी नया वीडियो भी नहीं बनी, शूटिंग भी नहीं हुई। उसके पहले ये भजन वायरल हो गया। कम से कम किसी ने इसे महाकाल बाबा के ग्रुपों में डाल दिया। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे घर के बाहर से रिक्शे में बसते हुए जा रहा था ये भजन। तो मैं सोचा, पहले तो मैं डर गया कि मेरा गाना चोरी हो गया, पर दूसरी खुशी ये थी कि भाई मेरे द्वारा गाया हुआ भजन कोई गाड़ी में बसते हुए जा रहा है। तुरंत मेरे मामा जी से मेरी मदद मांगी, पैसे लिए, वीडियो बनाई, फिर इस भजन को यूट्यूब पर डाला। और सबसे बड़ी मेन बात यह है, ये परम सत्य है, जिस दिन ये भजन यूट्यूब पर आया, यूट्यूब पर आप सभी ने जिस दिन देखा, उस दिन मैंने पहली बार महाकाल बाबा के दर्शन किए थे उज्जैन में जाकर के। इससे पहले मैं कभी उज्जैन में मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं किए, और उसी दिन दर्शन किए पहली बार। और बाबा से ये कहा कि बाबा कि माता पिता तो आपके पास ही है, तो आज से माता पिता भी आप ही है, गुरु भी आप ही है, और जो भी आप ही सब कुछ आप ही है, और आपके चरणों में ये कृपा का एक फूल मैं अर्पित कर रहा हूँ, इसे सफल बनाकर बाबा कृपा करे। और ये शब्द सच्चे, ये सत्य है। वो बाबा ने कृपा करी, वो बात सुनी, वो भजन में वहाँ से गाकर निकला। उसके बाद से मुझे फोन आने लगे, भाई आपका गाना यहाँ। मेरा भजन आने के 5 दिन बाद तो लॉकडाउन लग गया था। मैंने सोचा था कि इधर उधर बनाकर मेहनत करूँ, लेकिन लॉकडाउन लगा तो भक्तों ने सभी ने घर बैठकर खूब भक्ति करी और खूब भजन सुने। उसी लॉकडाउन में भजन फेमस हुआ और उज्जैन के राजा की कृपा पर। मैं भी चाहूँ आप सभी लोग छोटे से कृपा के पात्र बने, दोनों हाथ उठाकर बाबा से कृपा के लिए भजन गाए। उज्जैन में राजा।